अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो शिमला मिर्ची, जिसे हम बाद में बारीक स्लाइस कर देंगे छुरी से, या आपके पास अगर चॉपर है काटने का तो उससे भी कर सकते हैं आप। और 3 डंडी लहसुन की, 10-12 पत्ते तेज़पान के, और 10 से 12 सूखी लाल मिर्ची ली है हमने, और 1.5 टेबल स्पून अजवाइन लगेंगे हमें। 1 किलो मैक्रोनी में 8 से 9 लोग खा सकते हैं, और आप मिर्ची और आपके हिसाब से डाल सकते हैं। और हम इसके साथ 2 चटनियाँ बनाएंगे जो हम आपको बाद में बताएंगे। और अब आप मटन के बदले चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अभी हमने मटन लिया है, लेकिन आप चाहे तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। हमने इससे ये जो हमने तेज़पत्ता अजवाइन लिया था, उसको हमने ऐसा हल्का सा भून लिया है, इस तरह हल्का सा भून लिया है तवे पे। फिर उसे हम एक जार में डालेंगे, फिर इस तरह हमने इसमें डाल दिया है। फिर इसे हम पहले सूखा पीसेंगे, उसके बाद हम फिर ये लहसुन डालेंगे, और फिर इसमें से पीसे बाद हम थोड़ा सा चटनी के लिए निकाल के रखेंगे। और फिर मैक्रोनी में हमें ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लगेगा, और 3 टेबल स्पून सादा फ्लावर, सादा आटा, आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं। तो ये हम बाद में इसे दूध में घोल कर डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले 4 चम्मच तेल डालेंगे, फिर उसके बाद हमने जो ये लहसुन तेज़पान और हरी मिर्ची अजवाइन, जो लाल मिर्ची और अजवाइन जो पिसा था, वो इसमें डालेंगे सबसे पहले। और इसमें से थोड़ा हम जो रेड चटनी बनाने वाले हैं हम बाद में, उसके लिए रख रहे हैं थोड़ा सा, बाकी सब इसमें डाल देंगे। थोड़ा इस तरह भूनने बाद फिर इसमें हम कीमा डाल देंगे इस तरह। आपको लगे तेल थोड़ा कम है तो हम थोड़ा इसमें और तेल डालें, जैसे टोटल 1 कप तेल डालेंगे हम इसमें। ये 2 चम्मच हम इसमें 2 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं। फिर आप इसको चक्कर आपके हिसाब से डाल सकते हैं नमक। फिर हम इसमें 1 कप पानी डाल के इसको गलने के लिए कुकर लगा देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें बाद में कुकर खोले बाद में शिमला मिर्ची डालेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा आधे से 1 कप पानी डाल के इसको लगा देंगे। फिर 1-2 सीटी होने तक पकने देंगे, उसके बाद फिर हम इसको खोल के शिमला मिर्ची डालेंगे। हमें ग्रीन चटनी के लिए चाहिए हमें 1.5 कप कोथमीर, हरा धनिया, और 1/2 कप हमने प्याज की पत्ती लिया है, मतलब 2 गड्डी, और वही प्याज की पत्ती की प्याज हमने 2 प्याज लिया है छोटे छोटे, और 1/2 डल्ली लहसुन की, 6-7 हरी मिर्चियाँ, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको और तेज़ चाहिए तो आप और हरी मिर्ची ले सकते हैं। और हमें 1 नींबू चाहिए, जिसका रस इसमें डालेंगे हम पिसते वक्त, सब एक साथ एक जार में डाल के, और नमक और ये नींबू का रस सब एक साथ डाल के हम मिक्सी में घुमा लेंगे। और लाल चटनी के लिए चाहिए हमने 4 टमाटर लिया है, और 1 कप केचप लिया है,
और वो जो मैक्रोनी के लिए जो मसाला पिसा था हमने वो एक बड़े टेबल स्पून लिया है। जो कीमा हमने कुकर में गलाया था वो अच्छी तरह गल गया है, तो इसको हमने एक पैन में डाला है। फिर इसके बाद हम इसमें कॉर्न डालेंगे जो हम बताना भूल गए थे। आप चाहे तो नहीं भी डाले तो चलेगा, हमारे पास थे तो हम कॉर्न डाल गए। इससे अच्छा टेस्टी बनता है, मैक्रोनी अच्छी बनती है। और फिर इसके बाद इसमें हम शिमला मिर्ची डालेंगे, इस तरह इसमें शिमला मिर्ची डाल देंगे और इसे कम से कम 10 मिनट पकने देंगे। और ये मटेरियल आप बघार के अलग एक साइड में रख देना, और आपको जितना चाहिए मैक्रोनी उबाले बाद आपको जितना चाहिए, जितने पर्सन के लिए चाहिए बस उतना ही इसमें से मटेरियल लेकर मैक्रोनी डालकर इसमें दूध और कॉर्नफ्लावर वो जो हम बताने वाले हैं वो डालना है। क्योंकि पूरी एक साथ बनाए तो एक साथ एकदम एकदम गच हो जाती है, इसलिए इसको खुली खुली बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा ही जितना खाना है उतना ही बनाना तो अच्छा रहता है। थोड़ा ये इसको हम 10 मिनट पकने देंगे। और अगर आपको लग रहा है नमक कम है तो आप और नमक डाल सकते हैं, आपके हिसाब से नमक डालेंगे। ये हमने इसको 5 मिनट पकने दिया है। थोड़ी शिमला मिर्ची थोड़ी और 3-4 मिनट के बाद थोड़ी और पक जाएंगी। फिर इसको हम आप चाहे तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं कंटेनर में, बाद में फिर मैक्रोनी अगर आपको दिल बोला तो आप जैसा बाद में ये मटेरियल रख लेना, मैक्रोनी जब का जब उबाल के भी डाल सकते हैं आप। ये बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं क्योंकि ये एकदम लाइट फीकी रहती है। इस पर चाहे तो आप बच्चों को केचप डाल के भी इस पर दे सकते हैं टिफिन में। तो इसका मटेरियल आपने ऐसा बना के 2-3 दिन के लिए भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, और फिर मैक्रोनी को बॉईल करके भी मैक्रोनी को अलग से रख सकते हैं। फिर जब का जब दूध और कॉर्नफ्लावर वो जब का जब मिला के देना। सबसे पहले हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, फिर ये जो हमने मसाला पिसा था तेज़पत्ता अजवाइन लाल मिर्ची वो डाल देंगे जो हमने रखा था। फिर इसे थोड़ा भूनेंगे, फिर उसके बाद हमने जो टमाटे बारीक काट के रखे थे वो डाल देंगे। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें लाल मिर्ची नहीं भी डाले तो चलेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची डाल दें और 1 से 1.5 टीस्पून नमक डालें, क्योंकि केचप में भी नमक होता है तो इसलिए आप चखकर डालेंगे। ये हम रेड चटनी बना रहे हैं और ग्रीन चटनी हमने मिक्सर में पीस लिया है। अब इसके बाद थोड़ा टमाटर को गलने देंगे हम, फिर उसके बाद हम इसमें केचप डालेंगे। ये टमाटर चटनी हमारी गल चुकी है, इसको इस तरह मैश कर ले, इस तरह घोट डाल ले। इसके बाद हम इसमें ये केचप जो रखा था हमने इसमें डाल दें, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा तंदूरी कलर भी डाल सकते हो। और फिर इसे अच्छी तरह 3-4 मिनट और पकने दें, उसके बाद इसे हम एक बॉल में निकाल लें। ये हमने मैक्रोनी के लिए पानी बॉईल करने के लिए रखा था, जिसमें हम 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। अगर आप चख लेना, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। फिर हम इसमें पूरी मिर्ची डाल देंगे इस तरह, और इसे 4-5 मिनट पकने देंगे, थोड़ा बॉईल होने देंगे, थोड़ा हल्का गले उतना
बॉईल होने दे। ये उबल चुके हैं, बस इस तरह ऐसा हाथ से थोड़े, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं गलना और बहुत कम भी नहीं, बस अब हम इसे निथार देंगे। इसमें हम थोड़ा सा मीठा तेल मिलाएंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि एक को एक चिपकना नहीं, बल्कि इसमें थोड़ा मीठा तेल मिला के रख देना। और इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, जब हम इसे मिलाएंगे मिक्स करेंगे इसके मटेरियल में तो वो पानी हमें डालने के लिए लगेगा, तो इसलिए आप इसका पानी नहीं फेंकना। ये हमने एक प्लेट भर के मैक्रोनी लिया है उबली हुई, और उसमें हम दो बड़े चम्मच ये जो खीमा उबाल के बघार के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको फिर पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। जितना जितना आपको खाना है उतने में ही मटेरियल मिला के दूध और कॉर्नफ्लावर डालना, और इसके लिए नॉन स्टिक पैन ही होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मैक्रोनी चिपक जाएगी। एक कप दूध लिया है हमने, ये एक कप एक प्लेट मैक्रोनी के हिसाब से एक से डेढ़ कप दूध, अगर आपको लगे कि कम है तो आप और ले सकते हैं। तो हम इसमें एक टेबल स्पून ये जो हमने सादा फ्लावर रखा था वो डाल रहे हैं, और दो टेबल डेढ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे एक से डेढ़। और आपको अगर लगा कि और डालना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, तो आप और डाल सकते हैं। इसको इस तरह मिक्स कर लें। फिर हम इसमें इस तरह मिक्स करके इसमें इस तरह डाल देंगे ऐसे, जल्दी जल्दी हिलाना है। और जो पानी हमने इसका मैक्रोनी का जो बॉईल पानी रखा था वो भी थोड़ा इसमें डाल देंगे आधा कप। असल में ये मैक्रोनी जूसी और पतली पतली बनना चाहिए, तो इसके लिए आपको अगर और दूध लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं। थोड़ा जूसी बनने के लिए हमने थोड़ा और दूध आधा कप और कॉर्नफ्लावर और आटा और लिया है इसमें, क्योंकि ये तब तक आप इसमें मिक्स करें जब तक ये आपको ऐसा ना लगे कि ये जूसी बना है, आपको लगे तो फिर आप डाल सकते हैं। थोड़ा इसमें हम और पानी भी डाल रहे हैं, और कॉर्नफ्लावर पकने तक इसे 2-3 मिनट तो भी पकने देना है ताकि कॉर्नफ्लावर और आटे की कच्ची भून आए। इस तरह से जूसी रहने देना है। फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, 3-4 मिनट पकने देंगे। फिर इसमें थोड़ी सी जो मलई हमने निकाल के रखा था इसे डाल देंगे, और चाहे तो आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, और अगर आपको टेस्टी करना है, और अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो नहीं भी डाल सकते। थोड़ा इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हमने 4-5 मिनट तक पकने दिया है, इसका कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह पक चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। लीजिए, ये हमारी गर्मा गर्म मैक्रोनी तैयार है, जिसके साथ हमने ग्रीन चटनी और रेड चटनी बनाए हैं। ये चटनी आप पिज़्ज़ा पे और कोई भी ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं।